हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं जयेंद्र। आज 2019 में पूछे गए बीएचयू बीएससी एजी के एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन पी एंड ई इज पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। पी वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट। और ई वेक्टर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कोई डाइपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा कब टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? जब दोनों के बीच में एंगल जीरो हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर एंगल जीरो हो, या फिर 90 डिग्री हो, या फिर 180 डिग्री हो, या फिर 45 डिग्री हो, तो इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर फार्मूला पता है तब तो डायरेक्टली आंसर दे दीजिए। फार्मूला क्या होता है कि टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? पी ई साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पे कि थीटा क्या है? पी और ई के बीच का एंगल। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब साइन थीटा 1 के बराबर हो। ठीक है, और 1 कब आएगा? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। ठीक है, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2, 90 डिग्री। या फिर फार्मूला अगर आपको नहीं भी याद है तो अपने दिमाग को दौड़ाइए कि अगर कोई सपोज करिए कि एक बेसिक से एकदम बेसिक कंसेप्ट से समझिए कि एक डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, हर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ना, ये हो जाएगा। और ई इधर की तरफ है, तो यानी ये दोनों के बीच में अभी एंगल थीटा है सपोज करिए। ठीक है, तो अभी टॉर्क कितना लगेगा इस प्लस वाले पे? तो फोर्स इधर लगेगा ना, क्यू ई फोर्स इधर लगेगा ना, इस पे फोर्स क्यू ई इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, और थोड़ा अगर ऊपर जाएगा तो ऐसे लगेगा। ठीक है, और ऐसे रहेगा फिर तो फोर्स ऐसे लगेगा। तो जब जीरो डिग्री हो दोनों के बीच में तब तो जीरो टॉर्क लगेगा ना। फिर थोड़ा सा और बढ़ाए, टॉर्क और ज़्यादा होगा। जितना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच में बढ़ते जाएगा, वो टॉर्क और ज़्यादा होते जाएगा। ठीक है, और जब 90 डिग्री होगा फिर उसका मैक्सिमम होगा। उसके बाद से फिर ऐसे करेंगे तो फिर से थोड़ा कम हो जाएगा फोर्स, और जब फिर से इधर आ जाए फोर्स ऐसे और ऐसे लगेगा, टॉर्क फिर से जीरो। यानी कब ज़्यादा लग रहा है टॉर्क? जब 90 डिग्री है, ऐसे दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तब एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 65। द रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज, एक फिगर दिया गया है, उसमें ढेर सारे रेजिस्टेंस दिए गए हैं और उसके दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपल सा आपको पैरेलल में पता होना चाहिए कि पैरेलल में कम रेजिस्टर हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है, सीरीज में है तो कितना होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको अप्लाई करना है कि सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, पैरेलल में है तो इन्वर्स करके वो निकाला जाता है, आपको पता है। देखिए फिगर कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये है 40 ओम। ये है 100 ओम, फिर एक है, ये है 100 ओम। ठीक है, फिर एक है, ये है
100 ओम, ठीक है। यहाँ से एक है, यह है 25 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे है, यह है 120 ओम, ठीक है। और ये तीनों एंड आपस में ऐसे जोड़ दिए गए हैं। पॉइंट ए आपका यहाँ पे है और पॉइंट बी आपका यहाँ पे है, ठीक है। ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ दिया गया है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए कि ये दोनों पॉइंट दोनों के अपोजिट एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ठीक है। तो इस 100 और इस 25 का, ये 100 और ये 25 मिलके कितना इक्विवेलेंट आएगा, तो दोनों पैरेलल में है तो कितना आएगा, 100 × 25/125, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, इतना सिंपल ये तो आपको पता होगा, पता होना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है। 25 × 25 = 20, यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट है, बस एक 20 ओम के इक्विवेलेंट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में की तो केवल 20 ओम एक रेजिस्टेंस हो या फिर दो 100 और 25 कैसे हो, दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसको और सिंपल करते हैं कॉम्प्लिकेशन से, तो इन दोनों को मिला के केवल अगर हम 20 लिख दें तो बस उतना काफ़ी है, मतलब समझ लीजिए कि दोनों पॉइंट के बीच में बस एक ओ एक रजिस्टर है और वो कितना है, 20 ओम का, ठीक है। अब देखिए, ये और ये अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखिए तो एक 100 ओम है और फिर उसके आगे एक 20 ओम है, दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इनका इक्विवेलेंट इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना आएगा, एक 100 है और एक 20 है, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज में क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 100 + 20 = 120, इनका इक्विवेलेंट मान लेंगे कि इनके बीच में केवल एक रेजिस्टेंस है और कितने का है, 120 का। तो इसको और सिंप्लीफाई करिए, ये 100 और 20 मिलके कितना हो गया, 120, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, पैरेलल में हैं, तो कैसे करते हैं, 120 × 120 / 120 ना, या फिर डायरेक्ट भी समझते कि दोनों इक्वल ही है तो जस्ट आधा हो जाता है, चाहे ऐसे कर ले रहे हैं, ये 2 × 120 हो गया, ठीक है, तो कितना आ गया, 60। इनका इक्विवेलेंट अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा, वो 60 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना आ जाएगा, 160, ठीक है। ये तो इसके जगह हो जाएगा एक 100 + 60, ये सीरीज में था तो डायरेक्ट ही जोड़ लिए, ठीक है, 160, ठीक है। अब यहाँ 160 है, वहाँ 40 है, तो इस पॉइंट या फिर ए और बी के बीच में कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में क्या हिसाब किताब होता है, उसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हो, 160 × 40 / 160 + 40 ना, यानी कि 200, तो कितना आ जाएगा, 45 जाओ और 5 = 32, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया ए और बी के बीच में, 32 ओम। तो यानी कि आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है, 32 ओम। क्वेश्चन नंबर 66, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, बहुत ही कॉमन, मतलब कमर्शियली भी यूज होता है और क्वेश्चन में तो आ ही जाता है, आपको पता होगा, किलो क्या है, किलो वाट पावर है, किलो वाट आवर, ठीक है, ये किस चीज का यूनिट है,
तो ये है एनर्जी का यूनिट, आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। कितना एनर्जी होता है 1 किलोवाट आवर? तो ये जैसे आप घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो आप नहीं कहते हैं जो बिजली बिल जब आप वो पे करते हैं तो कहते हैं कि जैसे हाँ इस महीने मेरे घर आया था 300 यूनिट, 300 यूनिट। तो वहाँ पे यूनिट होता क्या है, उस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आप यूज किए हैं वो यही यूनिट होता है वहाँ पे, यूनिट यही किलोवाट आवर ही होता है जो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज किए रहते हैं। 300 यूनिट यानी 300 किलोवाट आवर आप यूज किए, ठीक है। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कितना होता है? तो जब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक है, मान लीजिए आप आयरन यूज कर रहे हैं घर में, वो 1 किलोवाट का है, उस 1 किलोवाट आवर के आयरन को जब आप 1 घंटे तक यूज करते रहेंगे तो वो जितना बिजली खाएगा, जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी खाएगा, कंजम्पशन होगा उसमें जितना जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो समझे कि ये एक एनर्जी है और कितना एनर्जी है, अब आपको रिलेट कर सकते हैं। और ऐसे भी आपको पता चल रहा है कि किलोवाट किस चीज़ का यूनिट है, पावर, और इंटू क्या है, आवर यानी कि टाइम, और पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई किया गया, टाइम 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 कट गया, क्या आपका बचा वर्क, और वर्क का यूनिट वही है जो आपका एनर्जी का है, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते थे कि किलोवाट आवर किस चीज़ का यूनिट है, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन करेंट इज पास्ड थ्रू जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स द जंक्शन टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू, ऑप्शन 1 है सीबेक इफेक्ट, ऑप्शन 2 जूल इफेक्ट, ऑप्शन 3 पेल्टियर इफेक्ट, ऑप्शन 4 थॉम्सन इफेक्ट। तो ये तो डेफिनेशन है, याद रहनी चाहिए आपको, बुक में पढ़ाया गया होगा 12th में, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करेंट में क्या होगा, पेल्टियर इफेक्ट ना। और पेल्टियर इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट क्या होता है, जस्ट इसी पेल्टियर इफेक्ट के अपोजिट होता है, या फिर कह लीजिए कि पेल्टियर इफेक्ट जो है सीबेक इफेक्ट के जस्ट अपोजिट होता है। सीबेक इफेक्ट क्या होता है, पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, जिसको नहीं पता है ये उनके लिए एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि क्या होता है, कि जब कोई दो अलग अलग मेटल, ठीक है, सपोज करिए कि ये कौन सा मटेरियल है, निकेल है, ठीक है, और एक सपोज करिए ये कॉपर है, ठीक है। जब ऐसे दोनों के एंड को ऐसे जोड़ा गया तो एक लूप बन गया, ठीक है। तो अगर हम इस जंक्शन को जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, यहाँ T1 टेम्परेचर, यहाँ T2 टेम्परेचर, ठीक है, दोनों को हीट करें, या फिर दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन किए रहे हैं, ठीक है, एक को छोड़ दे किसी टेम्परेचर पे और एक को हीट करके किसी और टेम्परेचर पे ले जाए, तो क्या होगा कि इस लूप में करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर अलग करे तो, ठीक है, जंक्शन का, तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है, तो इसे कहते हैं सीबेक इफेक्ट। और इसी के जस्ट अपोजिट कि अगर हम इस लूप में अगर करंट फ्लो कर दे तो यहाँ जो दोनों जंक्शन है उनमें एक टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं पेल्टियर इफेक्ट। तो ये याद रखिए रहिए कि सीबेक इफेक्ट क्या होता है, पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, और कौन सा क्या है। पता चला कुछ बच्चे इसमें सीबेक इफेक्ट करके आ जाएंगे कि ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, जस्ट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो ये है पेल्टियर इफेक्ट जो इस क्वेश्चन में कहा गया कि करंट पास किया गया तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, क्रिएट हो गया, तो ये है पेल्टियर इफेक्ट। और इसी के जस्ट अपोजिट क्या, कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस लाए तो
तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है, वो क्या है, सीबेक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, इफ ओनली 2% ऑफ द टोटल करंट इज टू बी पास थ्रू ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी, द शंट शंट रेजिस्टेंस इज। तो ये एक्सपेरिमेंट्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर कैसे फंक्शन करता है। तो गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है, पहली बात तो उसका यूज क्या होता है, उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, करंट, स्मॉल करंट उससे मेजर करते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन भी उससे पता करते हैं कि करंट का डायरेक्शन किधर के तरफ है। एक तरह से समझिए एमीटर से भी हम लोग करंट करंट का मेजरमेंट करते हैं, लेकिन डिफरेंस यही है कि जो गैल्वेनोमीटर है उससे हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, इधर से इधर किसी वायर में कि उधर से इधर, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जनरली स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए वहीं पे बस केवल लगाते हैं, ठीक है। उसका एक तरह से समझिए कि जो लिमिट होता है वो कम होता है, ठीक है। तो किसी वायर में जब पता करना होता है कि कितना करंट है और किधर के किधर से किधर है, ठीक है। तो चलिए पता करना कि कितना करंट है ना, तो एक गैल्वेनोमीटर उसके सीरीज में हम लगाते हैं, ठीक है। ये फंक्शन कैसे करता है, तो पहले चलिए वो फंक्शन छोड़ते हैं। कह रहे कि इसमें गैल्वेनोमीटर है और उससे केवल 2% चार्ज फ्लो कराना है, जो 2% करंट फ्लो कराना है, ठीक है। जो करंट जा रहा है उसमें क्या होता है कि जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस जी है, और उसमें से जो करंट आ रहा है उसका केवल 2% इधर जाना चाहिए, ठीक है। बाकी तो बाकी के बाकी जो करंट है उसको एक दूसरे रेजिस्टेंस के थ्रू पास करा देंगे, और इधर से केवल 2% और इधर से यानी कि 98%, ठीक है। तो इधर एक छोटा सा स्मॉल रेजिस्टेंस उसके पैरेलली हम इसमें लगा देंगे, जिसको कि हम लोग संट कहते हैं, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इस संट का, इस संट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा अगर जी से केवल 2% चार्ज फ्लो करेंट फ्लो हो और इधर से 98%, यानी कि जो करंट इधर से अगर 100 आ रहे हैं तो इधर से 2 करंट जाए, मीन्स आई जी 2 हो और आई एस कितना हो, 98% इधर से फ्लो, 92% उधर से। तो हमें एस का वैल्यू पता करना है इस रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जी और एस के टर्मिनल पॉइंट्स, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वही इसका भी टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों के अक्रॉस, इसके भी अक्रॉस जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगा, ठीक है। V अक्रॉस G इक्वल टू V अक्रॉस संट, ठीक है। अब वोल्टेज किसी रेजिस्टर के अक्रॉस कितना होता है, अगर उसमें I करंट फ्लो कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस R है, तो कितना हो जाता है, IR, ठीक है। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज कह सकते हैं, इधर से 2 करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस जी है, यानी 2G, और इसके अक्रॉस कितना 98 करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस हमने सपोज किया है एस ना, और इसी एस का वैल्यू पता करना है रेजिस्टेंस जो है संट का। तो एस कितना आ गया, 2G अपॉन 98, यानी कि जी अपॉन 49 ना, यानी हमारे संट रेजिस्टेंस कितना होगा, जी अपॉन 49। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज। तो ये भी एक तरह से कह लीजिए कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी फार्मूले वाले बच्चों के लिए फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कॉमन सेंस जरूरी है, ठीक है। केवल फार्मूला याद भी रखे रहेंगे, अगर सेंस नहीं है आपके पास तो
काफ़ी कुछ रटिए, नहीं तो फिर भी नहीं कर पाएंगे। देखिए कह रहे कि एंगल ऑफ डिप कितना होगा, ठीक है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है तो मैग्नेटिक इक्वेटर भी इधर ही होगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे क्या होता है कि मान लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ ये है, ठीक है, मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है, वैसे तो मैग्नेटिक नॉर्थ नीचे होता है, मैग्नेटिक साउथ उधर होता है, ठीक है, तो कुछ भी फिगर में हम मान ले रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब होता है क्या, अब किधर कौन सा है उससे वो हमें यहाँ पे मैटर नहीं करता, बस हाँ ये पता होना चाहिए कि हाँ नॉर्थ से ऐसे निकलता है फिर ये ऐसे आता है, ठीक है, वो हम चाहें तो यहाँ पे फिगर किसी भी अगर नीचे है तो वो आगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए बस हाँ, किसी भी मैग्नेट से क्या होता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ में इंटर करता है, ठीक है, और फिर अंदर में ऐसे फ्लो करता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ इधर होता है, ज्योग्राफिकल साउथ होता है, बीच में इक्वेटर होता है, उसी तरह एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है अर्थ का, मैग्नेटिक साउथ होता है और इधर मैग्नेटिक इक्वेटर होता है। तो ये इधर से आता है और ऐसे आके ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर के पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप पता करना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप क्या है, एंगल ऑफ डिप का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या होगा, इस जगह पे देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा, वर्टिकल ऐसे होगा, इस जगह पे देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे वर्टिकल है, जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस से वो वर्टिकल होता है और सरफेस के जो पैरेलल होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन पे सरफेस के पैरेलल, यानी कि ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो जीरो, ठीक। तो यही आपका आंसर भी है, एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री। या फिर फार्मूला से अगर आप करते हैं तो फार्मूला अगर आपको एक याद होगा कि टेन डेल्टा इक्वल टू 2 tan lambda, जहाँ पे कि लैम्डा क्या है, लैटिट्यूड, ठीक है, ये क्या है, एंगल ऑफ डिप, ठीक है। यहाँ पे लैटिट्यूड क्या होता है इक्वेटर पे, लैटिट्यूड जीरो कहते हैं, ठीक है। फिर अक्षांश रेखाएं आते हैं ना लैटिट्यूड्स ऊपर कि ये 5 डिग्री 10 डिग्री ऐसे 180 तक जाता, 90 तक जाता है, फिर इधर 5 10 वो नॉर्थ में, ये साउथ में ना, तो ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। आपका लैम्डा कितना हो गया, 0, लैटिट्यूड कितना है, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, 2 × 0 0, तो 10 lambda इक्वल टू 0, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं, फिगर से भी समझ में आ जा रहा है अगर आपको पता है कि ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स निकलते हैं, कहाँ पे उसका डायरेक्शन किधर होता है, अगर इतने याद है तो इक्वेटर पे ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, इन ए सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस 1 Hz, तो 4 ऑप्शन है, ओमेगा और LC में रिलेशन बताना है। तो ये तो डायरेक्ट आपको याद ही रहता होगा, अगर AC का क्वेश्चन किए होंगे तो इतना तो याद ही हो जाता है, नहीं याद है तो आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिफिनीशन पता होना चाहिए। डिफिनीशन अगर पता है कि रेजोनेंस क्या होता है LCR सर्किट में, तो आप पता कर लेंगे क्या उसका वैल्यू क्या रिलेशन होता है। तो रेजोनेंस क्या होता है, तो LCR सर्किट में जब करंट
मैक्सिमम होता है, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पे, तो उसी को कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और उस कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब इम्पीडेंस सबसे कम होगा, आई इक्वल टू क्या हो जाता है, वी अपॉन जेड, ठीक है। ये आपका जेड ही क्या है, इम्पीडेंस, ठीक है। करंट कब ज़्यादा होगा, जब आपका इम्पीडेंस सबसे कम होगा, और जेड का वैल्यू कितना होता है, करंट सर्किट में इम्पीडेंस कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू आपको सबसे कम चाहिए, रेजिस्टेंस का वैल्यू तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं ओमेगा को वेरी करके, ठीक है। और इसका जितना कम वैल्यू होगा उतना ही जेड का मिनिमम वैल्यू होगा, जितना ही जेड का मिनिमम वैल्यू होगा आई का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, और जब सबसे मैक्सिमम होगा तो रेजोनेंस होगा, यानी कि जेड जब सबसे मिनिमम होगा, जेड सबसे जब मिनिमम होगा यानी ये सबसे मिनिमम होगा, और इसका सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो एक स्क्वायर टर्म है, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा जीरो होगा, निगेटिव में तो जाएगा नहीं, तो यानी मिनिमम तब होगा जब इसका वैल्यू जीरो होगा, तो यानी रेजोनेंस के टाइम ओमेगा एल अपॉन माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि ओमेगा एल इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी होता है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन बाई एल सी होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है, अभी तो कोई नहीं मैच कर रहा, तो इसको क्या करिए, स्क्वायर को इधर ले जाइए, तो आपका जो ऑप्शन टू है करेक्ट है, जो कि ये दिया हुआ है, और ये जनरली याद ही रहता है, नहीं आते तो तुरंत बस ये देखिए, ये तुरंत आपको याद हो जाएगा कि इसका वैल्यू जीरो करना है, जीरो सिक्योर करिए और पा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, टू वेव्स विद इंटेंसिटीज 100 एंड 25 यूनिट्स इंटरफियर, ठीक है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज, तो कंसेप्ट रिवाइज करिए, याद करिए कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, अगर आपको ये पता चल गया तो बस आपका आंसर आ जाएगा, या फिर अगर फार्मूला याद रखें तो फिर तो क्या ही करना, हर चीज़ के लिए अगर फार्मूला ही याद कर ले रहे हैं, अगर इतना आपकी याददाश्त सही है, अगर भरोसा करते हैं, इतना अगर कंसेप्ट नहीं याद करना चाहते हैं और बस फार्मूला याद करना चाहते हैं, तो फार्मूला आपको एक कंसेप्ट के बजाय आपको 50 फार्मूला याद करना पड़ेगा, तो देख लीजिए कि आपको 10-20 फार्मूला 50 फार्मूला याद करना है कि 2-4 बस कंसेप्ट याद रखना है, तो मैं रिलाई करता हूँ कंसेप्ट पे, तो आइए कंसेप्ट के बेसिस पे इसका आंसर निकालते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है। दो लाइट वेव्स हैं, ठीक है, दो वेव्स हैं, ठीक है, कोई भी वेव होगा, एक का इंटेंसिटी कितना है 100, दूसरे का इंटेंसिटी कितना 225, ठीक है, दोनों जब इंटरफियर करेंगे तो हो सकता है कभी ज़्यादा इंटेंसिटी हो कभी कम हो, ठीक है, तो जितना मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉसिबल है दोनों के इंटरफियर करने से अपॉन जो मिनिमम इंटेंसिटी जो पॉसिबल है उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है, यही पता करना है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगा, जब दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, और मिनिमम कब, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, उस समय जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा, ठीक है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस समय जो एम्पलीट्यूड आएगा वेव का इंटरफेरेंस से
होने के बाद जो वेव निकलेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो वो हो जाएगा इनके एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, बस ये समझ गए। और इसमें एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि आई जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितना होगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, यानी कि उसके प्रोपोर्शनल। यानी कि इससे आप क्या पा रहे हैं कि आई वन अपॉन आई टू इक्वल टू क्या होगा, ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए ए वन अपॉन ए टू का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर। ठीक है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम क्या होगा, इस टाइम जो एम्पलीट्यूड है उनकी स्क्वायर का रेशियो, यानी कि ये कितना हो जाएगा ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे पहले वाले का इंटेंसिटी 100 है, दूसरे वाले का इंटेंसिटी 225 है, तो इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, तो इसी से निकाल लीजिए कि इसका अगर ए वन है इसका ए टू है, तो आई वन अपॉन आई टू क्या हो जाएगा, ए वन अपॉन ए टू का ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर। तो आई वन अपॉन आई टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 225। ठीक है, ये हो जाएगा ए वन अपॉन ए टू। ठीक है, तो स्क्वायर, तो ए वन अपॉन ए टू कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 15 ना, ए वन बाई ए टू आ गया 10 अपॉन 15। तो इसका वैल्यू पता कर लीजिए कि, तो डायरेक्ट मान सकते हैं कि ए वन इक्वल टू 10, ए टू इक्वल टू 15 मान लीजिए। ठीक है, रख दीजिए, लेकिन ए वन ए टू उस रेशियो में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे और अच्छे से करना है, तो ए टू से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे ए टू स्क्वायर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ए टू, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ए टू। ठीक है, तो 1 प्लस ए वन अपॉन ए टू यानी 1 प्लस 10 अपॉन 15 कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 15 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, ए वन अपॉन ए टू माइनस 1, इतना माइनस 1, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन 15। वैसे बड़े वाले में से छोटे को घटाया जाता है, इसलिए वो तब पॉजिटिव आता है। तो ठीक है, ऐसे स्क्वायर हो जा रहा है, तो ये हो गया 5 अपॉन 15 का स्क्वायर। ठीक है, वो मॉड होता है वहाँ पे, क्या हो जाएगा, 15 तो 15 कट जाएगा दोनों जगह डिनोमिनेटर में, और 25 का स्क्वायर 625, और 5 का स्क्वायर 25, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जब दोनों इंटरफेयर करेंगे तो हो जाएगा 625:25, यानी कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, ऑप्शन 1 वेलोसिटी, ऑप्शन 2 वेवलेंथ, ऑप्शन 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन 4 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ठीक है, कौन सा नहीं चेंज होता है, सॉरी। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है लाइट, तो कौन सा क्वांटिटी नहीं चेंज होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा याद होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी लाइट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, वो उसका कभी नहीं चेंज होता जो फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो ये तो आपको डायरेक्ट मारना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और बाकी जब मीडियम चेंज हो गया, हाँ, बदलता क्या है, तो आपका वेवलेंथ बदल जाता है। ठीक है, अलग अलग मीडियम में जा रहे हैं तो
तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो बदलेगा ही बदलेगा, तो वेलोसिटी भी बदलेगा, या फिर लैम्डा देख लीजिए कि लैम्डा बदल रहा है तो वी फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा जो स्पीड होगा वो भी तो चेंज हो जाएगा ना। मतलब ये बदलेगा और आपका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन? चार्ज, वेवलेंथ, एनर्जी, मोमेंटम। ठीक है, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर है चार्ज ना। अब फोटोन क्या लाइट का एक कंस्टिट्यूएंट है और लाइट का क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो उसका कुछ वेवलेंथ होता है ना, फोटोन से ही वेव क्रिएट हो रहा है तो उसका कुछ वेवलेंथ तो होगा ही, और एनर्जी भी होता है कितना होता है किसी भी फोटोन का, तो एच म्यू ना, और वेवलेंथ है तो मोमेंटम भी होगा। ठीक है, एच बाई पी, एच बाई लेमडा उसका मोमेंटम हो जाएगा। क्या नहीं होता है चार्ज, चार्ज बस जब बेसिक लेवल पे देखा जाए तो बस केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है जिसमें चार्ज होता है। ठीक है, उसी के कारण कहीं भी किसी भी चीज़ पे चार्ज होता है। ठीक है, और फोटॉन में न इलेक्ट्रॉन है न प्रोटॉन है, ठीक है, तो ना ही तो उसमें चार्ज भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन ऑप्शन वन अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन टू इंफ्रारेड, ऑप्शन थ्री एक्सरेज, ऑप्शन फोर विजुअल रेंज। तो इस चीज़ को भी याद रखिए और मन के तसल्ली के लिए आप वो खुद से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कि कौन किस में लाई कर रहा है ना, कैसे निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, बोर्स मॉडल पढ़े होंगे, तो आपको याद होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे निकलता है। ठीक है, जैसे कोई हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिटल्स ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसका। ठीक है, ये सपोज करिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ना। इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है तो उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट में है, उससे बाहर किसी ऑर्बिट में है तो कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में है। फर्स्ट ये ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी लेवल होता है वो कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरे वाले का क्या होगा अगर इसको ई नॉट मानिए तो दूसरे वाले का ई नॉट अपन 2 स्क्वायर हो जाता है, थर्ड वाले का ई नॉट अपन 3 स्क्वायर हो जाता है। बोस मॉडल में पढ़े होंगे कि जो लेवल होता है एनर्जी लेवल किसी ऑर्बिट का, तो ई नॉट अपन वो अगर हाइड्रोजन है तो 1 हो जाता है, नहीं तो Z स्क्वायर। ठीक है, हीलियम है तो 2 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ Z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और यहाँ एन जो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो फोर्थ वाले का ई नॉट अपॉन 4 स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, तो यानी सेकेंड वाले का कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, दूसरे वाले का हो जाएगा अपॉन 4 कर लीजिए -3.96, सॉरी 4। थर्ड वाले का कितना हो जाएगा अपॉन 9 कर लीजिए, कितना हो गया -1.5। फोर्थ वाले का कितना हो जाएगा अपॉन 16 कर लीजिए, तो -0.8 के करीब ना। लाइमन सीरीज क्या होता है, लाइमन सीरीज वो स्पेक्ट्रम होता है, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर के किसी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो जो वो फोटॉन छोड़ता है, ठीक है,
उसके उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है, उस स्पेक्ट्रम्स को, तो इससे जो आया या फिर इससे जो आया, ठीक है, तो लाइमन सीरीज में है। अगर इस सेकेंड से फर्स्ट में अगर आएगा तो जो फोटोन आएगा उसका कितना एनर्जी होगा, तो -3.4 से -13.6 में आया, तो जो चेंज इन एनर्जी लेवल होता है वही उस फोटोन का एनर्जी होता है, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस देख लीजिए, ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर थर्ड से फर्स्ट में आया तो कितना आ जाएगा -1.5 -13.6 कितना आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही और भी निकालेंगे, और बहुत दूर का रहेगा तो कितना आएगा ज़्यादा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतना से इतना के बीच में होगा जो लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है। और जब देखेंगे कि किसी फोटोन का जब इतना अगर एनर्जी हो, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका जो वेवलेंथ आएगा या फिर जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में आएगा, मीन्स करीब अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो 7800 एंगस्ट्रॉम से बड़ा ही आएगा, ठीक है। और वेव विजुअल रेंज कितना होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक है, 3800 एंगस्ट्रॉम से छोटा आएगा, सॉरी, तो यानी कि वो अल्ट्रा वायलेट रेंज का कहते हैं। अगर 3800 से 7800 के बीच में है तो उसे विजुअल रेंज का कहते हैं, ठीक है, वो विजुअल रेंज होता है, वो स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, ना ऐसे दिखाई देता है। और 7800 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा वेवलेंथ जब मिल रहा है तो वो इंफ्रारेड रीजन का होता है, ठीक है, वो भी हमें नहीं दिखाई देता, अल्ट्रा वायलेट भी नहीं दिखाई देता, यानी लाइमन सीरीज का भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जब बामर सीरीज का ऐसे ही आप निकालेंगे तो हाँ, ये आप कैसे निकालेंगे वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये एच म्यू कर लीजिए या एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है, और यहाँ से इस इक्वेशन से लेमडा आप निकाल के खुद से वेरीफाई कर सकते हैं कि लाइमन सीरीज का ये किसी को भी जब इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा करेंगे, ठीक है, इस फोटोन का या फिर इस फोटोन का, तो जो लेमडा आएगा वो अल्ट्रा वायलेट का ही आएगा, देखिएगा खुद से एक बार करके देख लीजिए और अच्छा लगेगा। और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी डायरेक्ट ये नहीं तो और क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में पूछ लिए जाते हैं, तो ये सब इसी बहाने प्रैक्टिस कर लीजिए और मन को भी तसल्ली हो जाएगा कि क्यों लाइमन सीरीज का कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन का होता है, ठीक है। बामर का भी निकाल के देखिए ऐसे ही, वो विजुअल रेंज का आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, आगे फिर ब्रैकेट पर्सन वगैरह निकालेंगे तो वो इन्फ्रारेड का मिलेगा, ठीक है। तो 74 का उत्तर था 1 अल्ट्रा वायलेट। क्वेश्चन नंबर 75, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ये तो बहुत पहले पढ़े थे आप, 9th-10th का बच्चा भी बता सकता है कि लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है, ठीक है, क्लास 8th में ही पढ़ाया जाता है लाइट ईयर, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट आप मारेंगे ऑप्शन 3 डिस्टेंस, ठीक है, लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है, डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि अगर आपका आप उसका डिफिनीशन याद करिए, लाइट ईयर होता क्या है, तो लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जितना लाइट एक ईयर में ट्रेवल करता है, ठीक है, स्पेस में, उसी डिस्टेंस को कहते हैं किस चीज़ का यूनिट हो गया डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसे भी देखिए लाइट ईयर, चलिए बाकी लाइट ईयर होता कितना है, तो ये करीब होता है 9.461 × 10^15 मीटर, ठीक है, यानी कि लाइट एक साल में इतना ट्रेवल करता है, खुद से भी आप निकाल के एक बार चेक कर लीजिए सही है कि नहीं डेटा, वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद इतना ही होता है, चाहे आप निकाल लीजिएगा कि लाइट का स्पीड कितना है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक साल में टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्पीड इतना है, टाइम कितना है 365 डेज, यानी कि 365 इंटू
24 hours into 60 यानी इतना minutes into इतना seconds यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वही होगा एक लाइट ईयर, और आप चेक कर लीजिएगा शायद इतना ही होगा इतना मीटर, यानी कि एक लाइट ईयर कितना होता है 9.461 into 10^15 मीटर, या फिर कर लीजिए 9.461 into 10^12 किलोमीटर, ठीक है, यही होता है वन लाइट ईयर। तो डिस्कशन समाप्त हुआ, 25 क्वेश्चन थे जिसमें से कि केवल एक क्वेश्चन जो था जो नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि आप शायद उसे वो आपसे हो जाए एग्ज़ाम में, वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, जीके का क्वेश्चन मान लीजिए, जीके में भी नहीं मिलेगा आपको ढूंढने पे जल्दी, लेकिन बाकी के 24 क्वेश्चन तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं अगर पेशेंसली अच्छे से अगर एग्ज़ाम में आप कोप अप कर ले रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम ऐसे पेपर में तो 20 से तो ऊपर ही आना चाहिए, और आपको सिलेक्शन के लिए, और क्वेश्चन देखिए कितना इजी है और आप कर ले जाएंगे, बस तैयारी करते रहिए और अपने कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। धन्यवाद।